अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब आइए दोस्तों के तशरीफ रखे, बैठे तशरीफ रखे जी। अब आइए दोस्तों, मेरी फहरिस्त में सिर्फ दो नाम बाकी है, अब मैं चलता हूँ, नैनीताल का सफर आपको कराता हूँ, और इन चार मिसरों के साथ के नाम से अपने मेरे नाम को रुसवा कर दे, नाम से अपने मेरे नाम को रुसवा कर दे, कुछ ना कुछ तो मेरे जीने का बहाना कर दे। अब सही जाती नहीं शब के अंधेरों की तपिश, मेरे आंगन में किसी चांद का साया कर दे। इन चार मिसरों के साथ मैं मोहतरमा तरन्नुम निशाद साहिबा जो नैनीताल से हमारी मेहमान शायरा है, भरपूर तालियों से आपकी मोहतरम समातों के हवाले मोहतरमा निशाद तरन्नुम निशाद साहिबा जो नैनीताल से तशरीफ लाई है माइक पर, तालियों से एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं। बहुत देर से बहुत लंबा सफर तय करके इस मुशायरे में शामिल हुई है। माजिद हजरात, अहले इल्म का मजमा है और इतने अच्छे मुशायरे का इनकार किया गया है, मैं इसकी मुबारकबाद वसीम भाई को देना चाहती हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद। सलाम आप लोग आए तो ये प्रोग्राम जो है सफल हो रहा है माशाल्लाह। और हमारे सदर मोहतरम और जितने भी शोरा हजरात मोहतबर बैठे हैं उनकी इजाज़त से आते हुए गज़ल का मतलब एक मतलब दो तीन शेर देखें मेरे वालिद साहब के, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि कहाँ कहाँ पे लुटे हैं शुमार मत करना, कहाँ कहाँ पे लुटे हो शुमार मत करना, मगर किसी पे भी अब एतबार मत करना, मगर किसी पे भी अब एतबार मत करना। और हमारी राह में कलियां नहीं है कांटे हैं, हमारी राह में कलियां नहीं है कांटे हैं, हमारी राह कभी अख्तियार मत करना, हमारी राह कभी अख्तियार मत करना। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें बतौर खास कि मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर मैं लौटने के इरादे से तुझसे बिछड़ के जी लेना भी सबके बस का काम नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। तुझसे बिछड़ के जी लेना भी सबके बस का काम नहीं। और हमारे बीच वकील साहब बैठे हैं तो ये शेर देखें आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। इश्क के बारे में अब क्या इंसाफ करेंगे जज साहिब, इश्क के बारे में अब क्या इंसाफ करेंगे जज साहिब, एक यही तो हो मत है हम पर और कोई इल्जाम नहीं। एक यही तो हो मत है हम पर और कोई इल्जाम नहीं। और हजरत हमारे ये नाजिम साहब तो यहाँ से जा चुके हैं शायद, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी निजामत चल रही थी, मैं चाहती हूँ उनके लिए एक तालियां, एक बार तालियां बजा दीजिए सही करके। एक मतलब दो तीन शेर और देखें फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। कि उसको तो किसी बात से इनकार नहीं है, उसको तो किसी बात से इनकार नहीं है, हमें ही मगर जुर्रत इजहार नहीं है, हमें ही मगर जुर्रत इजहार नहीं है। और इशर बतौर खास देखें बाजार में तहजीब की दुकान न खोलो, बाजार में तहजीब की दुकान न खोलो, तहजीब का कोई भी खरीदार नहीं है। बाजार में तहजीब की दुकान न खोलो, तहजीब का कोई भी खरीदार नहीं है। और सूरज भी बदलता नहीं रुख अपना तरन्नुम, सूरज भी बदलता नहीं रुख अपना तरन्नुम, किस्मत में अगर साया दीवार नहीं है, किस्मत में अगर साया दीवार नहीं है। एक मतलब देखें दो तीन शेर। बख्श कर वो मोहब्बत का
मुझ पे एहसान कर जाएंगे। सुने दोस्तों, बख्श कर वो मोहब्बत कम, मुझ पे एहसान कर जाएंगे। बख्श कर वो मोहब्बत कम, मुझ पे एहसान कर जाएंगे। मेरी रातें भी कट जाएंगी, मेरे दिन भी गुजर जाएंगे। मेरी रातें तरन्नुम साहिबा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम साहब। मेरी रातें भी कट जाएंगी, मेरे दिन भी गुजर जाएंगे। देखना जिंदगी की कभी सब हदें पार कर जाएंगे। देखना जिंदगी की कभी सब हदें पार कर जाएंगे। तुमने नजरें अगर फेर ली, लोग बेमौत मर जाएंगे। जिंदाबाद। क्या कहने, अगर दोस्तों ये इस वक्त जो आप समाज कर रहे हैं मोहतरमा तरन्नुम निषाद साहिबा का, को आप शायद वाकिफ नहीं है। एक बहुत बड़ा उर्दू अदब में नाम हुआ है, जनाब साहिब सहरी साहब जो नैनीताल से होते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। आप उनकी साहबजादी हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आज याद दिला दी उन्होंने साहिब सहरी साहब की, अल्लाह उनको बनी के रहमत अता फरमाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, ये शेर देखें बतौर खास। हो सके तो जरा एक नजर दिल के जख्मों पे भी डालिए। दोस्तों बता ले शायरी का। हो सके तो जरा एक नजर दिल के जख्मों पे भी डालिए। जिस्म के घाव मत देखिए, जिस्म के घाव भर जाएंगे। जिस्म के घाव मत देखिए, जिस्म के घाव। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस्म के घाव भर जाएंगे। मक्का देख ले बतौर खास, फिर मैं अपनी जगह लेती हूँ। मैंने इजहार दर्द वफा ए तरन्नुम अगर कर दिया। मैंने इजहार दर्द वफा ए तरन्नुम अगर कर दिया। कुछ की सांसे ठहर जाएंगी, कुछ के चेहरे